हेलो स्टूडेंट्स आज हम बात करने वाले हैं हमारे स्पेसिफिकेशन के पार्ट पर हमने पार्ट वन में स्पेसिफिकेशन के बारे में पढ़ा था उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम इस पार्ट टू में बात कर रहे हैं तो आज पार्ट टू में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्पेसिफिकेशंस का कि कितने तरह के होते हैं जैसा कि आपको इस स्लाइड पर दिख रहा होगा कि ब्रीफ एंड डिटेल्ड स्टैंडर्ड एंड मैन्युफैक्चरर्स स्पेसिफिकेशन तो ब्रीफ स्पेसिफिकेशन क्या है डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन क्या है स्टैंडर्ड एंड मैन्युफैक्चरर्स स्पेसिफिकेशन क्या है पार्ट वन में हमने बात की थी कि स्पेसिफिकेशंस बेसिकली क्या है कि किसी भी आइटम किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में वो हमको इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराते हैं और इससे हमें आसानी हो जाती है अपने काम को कराने में जिससे कि जिसको काम करवाना है और जिसको काम करना है उसको स्पष्ट इंस्ट्रक्शंस मिल जाते हैं यानी कि उसको स्पष्ट निर्देश मिल जाते हैं कि उसको किस तरह से किस वर्कमैनशिप से किस मटेरियल से कैसे कौन सा काम एग्जीक्यूट करना है तो चलिए शुरू करते हैं स्पेसिफिकेशंस पार्ट टू सबसे पहले बात आती है टाइप्स ऑफ स्पेसिफिकेशन की तो कितने तरह के स्पेसिफिकेशन होते हैं मेनली चार तरह के ब्रीफ स्पेसिफिकेशन डिड स्पेसिफिकेशन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन एंड मैनुफेक्चर स्पेसिफिकेशन ये आपके नाम से समझ में आ रहा होगा कि ब्रीफ मतलब छोटा डिटेल्ड मतलब काफी स्टैंडर्ड मतलब कि जो फिक्स रहे जिसमें कोई भी चेंजेस ना हो और मैन्युफैक्चरर्स जो किसी प्रोडक्ट के लिए मैनुफेक्चर डिसाइड करते हैं अपने स्पेसिफिकेशन चलिए और आगे इसको अच्छे से समझते हैं

जिसके लिए हम एस्टिमेट तैयार कर सकें प्राकलन तैयार कर सकें द स्पेसिफिकेशन व्हिच गिव्स द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ वर्क जो कि ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देते हो किसका डिफरेंट वर्क्स का स्पेसिफाइंग द मटेरियल, जिसमें क्या स्पेसिफाई होता है मटेरियल, क्वांटिटी प्रोपोर्शन ऑफ मटेरियल एंड गिव्स जनरल आइडिया अबाउट द होल वर्क मतलब बहुत ही संक्षिप्त में उसमें लगने वाला मटेरियल उस मटेरियल की क्या क्वांटिटी, क्या प्रोपोर्शन और बहुत ही जनरल आइडिया की ये, ये तो संक्षिप्त ब्रीफ में जो दिए गए इसलिए उसको क्या कहा गया है ब्रीफ स्पेसिफिकेशन के बाद बात आती है डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन इसमें सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी पड़ती है और बहुत ही एक्सप्लेनेटरी मैनर पर ये स्पेसिफिकेशन तैयार किए जाते हैं

टू द ड्राइंग ऑफ द वर्क मतलब ड्राइंग के साथ रिलेट करते हुए सारी चीजों को वो स्पेसिफाई करता है हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि ड्राइंग और स्पेसिफिकेशन uh, में ड्राइंग को अकेला नहीं माना जाएगा स्पेसिफिकेशन में जो लिखा हुआ है वही मान्य होता है लीगल एस्पेक्ट्स के बारे में बात की थी हमने इसमें आपको याद होगा तो ये उसी से कोरिलेट करता है सारा डिटेल्ड स्पेसिफाई करता है सिंपल सी बात है जो उसके नाम ही है कि डिटेल्ड तो मतलब डिटेल्ड में सब कुछ बताना कंपेयर है। करते हैं हम दोनों को द डिफरेंस बिटवीन ब्रीफ एंड डिटेल स्पेसिफिकेशन क्या अंतर है और दोनों का क्या कंपैरिजन हम कर सकते हैं द स्पेसिफिकेशन व्हिच गिव्स द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क ठीक है छोटा सा डिस्क्रिप्शन देगा बहुत सारे कामों का द डिटेल स्पेसिफिकेशन डिस्क्राइब द आइटम ऑफ वर्क इन डिटेल्स ये डिटेल में बताएगा

इट गिव्स जनरल आइडिया अबाउट द होल वर्क ब्रीफ स्पेसिफिकेशन एक जनरल आइडिया देता है जबकि डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन इट गिव्स नेचर एंड क्लास ऑफ वर्क इन डिटेल्ड वर्क का क्या नेचर है उसका क्या क्लास है उसके बारे में ये डिटेल्ड में बताता है सारी चीजें किसमें आती हैं डिटेल्ड में द जनरल स्पेसिफिकेशन यूज फॉर एस्टिमेटिंग द प्रोजेक्ट इज द ब्रीफ स्पेसिफिकेशन

ये एक बार किसी आइटम ऑफ वर्क के लिए स्पेसिफिकेशन तैयार कर लिया और उसको प्रिंट लिखे होते हैं उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के एसओ में जहां पर शेड्यूल ऑफ रेट्स होता है ना या सी एस आर जिसको करेंट शेड्यूल ऑफ रेट्स कहते हैं उसमें ये प्रिंटेड होते हैं सारे क्योंकि उसी के आधार पर इनके रेट लिए जाते हैं तो स्पेसिफिकेशन भी वहां पर लिखे रहते हैं तो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन मतलब एक बार स्टैंडर्डाइज कर लिया कि हाँ पेंटिंग होगी तो ऐसे होगी बार बार उसके लिए ड्राफ्ट करने की जरूरत नहीं रहती है आसान भाषा में समझे हम इस बात को कि कोई स्टैंडर्ड हमने स्पेसिफिकेशन बनाने हो तो जो काम हमने डिटेल में बना रखा है उसको एक बार रख लिया कि जब कभी भी

फ्रीज कर दिया कि हाँ ये इस तरह से हमने स्पेसिफिकेशन बना रखे हैं और हमको ये काम इस तरह से ही कराना है तो ये स्पेसिफिकेशंस कहलाएंगे आपके स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन मैन्युफैक्चरर्स स्पेसिफिकेशन दिस टाइप ऑफ स्पेसिफिकेशन इन विच द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट सच एज स्ट्रेंथ थिकनेस डेप्थ इलास्टिसिटी केमिकल कंपोजिशन एटसेट्रा आर मेंशन मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट बाजार से लेके आए आपने कोई उसका क्या रहेगा? तो जिस की जो भी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज है उसको बताने वाला ठीक है ना तो जो मैन्युफैक्चरर जो उसको बना रहा है किसी प्रोडक्ट को जो बना रहा है वो उसकी मटीरियल क्वालिटी उसकी केमिकल कंपोजिशन

तो ये कहलाते हैं क्या मैनुफेक्चर स्पेसिफिकेशन आगे बढ़ते हैं एक मैं यहां आप पर आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं स्पेसिफिकेशन का कि उसमें किस तरह की स्पेसिफिकेशन लिखे होते हैं ठीक है ना तो स्पेसिफिकेशन फॉर फॉर एक्सटर्नल प्लास्टरिंग एक एग्जाम्पल लिया है मैंने प्लास्टरिंग का देखिए किस तरह से होता है मटेरियल तो मटेरियल के बारे में जैसे सीमेंट कौन सा सीमेंट OPC OPC ordinary Portland cement 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 shall shall be used. The cement shall confirm IS IS 269 269 latest version. तो cement uh, recommendation cement use OPC use brand clear specify Brand आप इस brand का लगाएं। Brand अगर लिख रहे हो तो आपको लिखना पड़ेगा कि फला brand और equivalent, या तो ये वाला या इसके जैसा ही आप specify नहीं कर सकते हैं ठीक है Sand के लिए क्या कहते हैं

वाटर कौन सा वाटर नालियों में भी पानी बह रहा है नहीं पोटेबल वाटर शेल बी यूज फॉर मिक्सिंग द वॉटर पोटेबल वाटर मीन्स ऐसा पानी जिसको पिया जा सके समझ रहे हैं वो पानी ही यूज होता है ठीक है क्योंकि सीमेंट के रिएक्शन के लिए हमको पोटेबल वाटर की जरूरत होती है प्रोपोर्शन सीमेंट एंड सैंड शेल बी मिक्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ वन पार्ट ऑफ सीमेंट टू फोर पार्ट ऑफ सैंड वन का इसमें क्या लेना है प्रोपोर्शन वन पार्ट पार्ट ऑफ़ ऑफ़ सीमेंट एंड फोर मिक्सिंग अब देखिए ये मटेरियल हो गया प्रोपोर्शन हो बी रोटेटेड फॉर पीरियड ऑफ टू मिनट्स द मोटर शेल बी यूज थर्टी मिनट्स ऑफ एडिंग वॉटर और बाय हैंड मिक्सिंग मिक्सिंग किस तरह से करना है उसका स्पेसिफिकेशन है प्लास्टरिंग किस तरह से प्लास्टरिंग करना है पूरा लिखा हुआ है The mortar shall be firmly applied on the surface from the top of the down and well pressed into the joint. The mortar shall then be rubbed and relevant with the flat wooden rule until perfectly plain and even surface is achieved. All corners shall be finished to their angles unless otherwise directed by the engineer. The gems and reveals of door and windows opening shall be finished perpendicular to the sill and lintel bottom plastering shall be done in squares or strips as directed by the engineer. Strips are or squares shall be so formed that day to day breaks are made to coincide with architectural breaks. Subkuchlika.

ट दूनिट ऑफ मेजरमेंट शेल बी स्क्स वन टू जीरो वर्कमैनशिप मटीरियल ये देखिये यहां से शुरू मटीरियल बताया ठीक है प्रपोर्शन बताया मिक्सिंग का तरीका बताया प्लास्टिंग करने का तरीका बताया फिनिश का तरीका बताया और मोड ऑफ मेजरमेंट बताया एग्जाम्पल ऑफ स्पेसिफिकेशन अब प्लास्टिंग के लिए सारी बात क्लियर है क्या क्या इसमें होना है तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और जो मैंने बातें आपसे की वो आपको समझ में आई होगी आज के लेक्चर में इतना ही बाकी की बात हम अगले लेक्चर में करेंगे थैंक यू